टू थोड़ी सी मस्ती शो विद मी नादिया खान. वेलकम एवरीवन और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द शो, लाइकिंग द शो. क्या है कि आजकल शोज कुछ ऐसे हो गए हैं कि बड़े बड़े गेस्ट जो हैं शोज पे जाते हुए डरते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, बैठते हैं आराम से. उसके बाद होस्ट बातों बातों में कोई ऐसा सवाल पूछता है कि आप दिल खोल के अपनी राय का इजहार कर देते हैं. साथ में गेस्ट जो है बेटा बड़ा खुश हो रहा है और जो होस्ट है तालियां बजा रहे हैं, क्या ज़बरदस्त बात की आपने भाई बहन जो भी सामने बैठे. और उसके बाद वो कंटेंट वायरल हो जाता है, कंट्रोवर्शियल हो जाता है और इतना बुरा फंसता है गेस्ट कि यार मैं तो एंजॉय करने गया था, मुझे तो कहा था खुल के बोलो और मैं तो वैसे ही सवाल का जवाब दिया. होस्ट निकल जाता है पतली गली से और फंस जाता है बेचारा गेस्ट. मैं खुद ऐसी सिचुएशन में बहुत दफ़ा आई हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मैं जो कि मैं ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देती हूँ, अब मैं खुद डर जाती हूँ कि यार अगला सवाल क्या आएगा, क्या बोलेंगे और क्या चीज़ कंट्रोवर्सी बन जाए. खुल के बोल भी नहीं सकते, रह भी नहीं सकते और फंस जाते हैं. तो हमारी तो कोशिश हमेशा ही होती है कि कोई ऐसी बात ही ना करें. हमारा कॉन्टेंट, हमारी सांप सीढ़ी, हमारे गेस्ट, हम सब इतने स्ट्रांग हैं कि हमें किसी कंट्रोवर्सी या फजूल कंटेंट का सहारा ही ना लेना पड़े. एंड ऑनेस्टली वी आर डूइंग सो वेल ऐसे ही क्योंकि हमारे गेस्ट बड़े दमदार होते हैं और आज के गेस्ट भी हैं कुछ ऐसे ही मस्ती से भरे हुए. ड्रामास में आपने इनको देखा होगा, हर तरह का किरदार कर लेते हैं. नेगेटिव हो, कॉमेडी हो, हीरो हो, कुछ भी हो, फिल्मों में इनके बगैर फिल्म कोई कंप्लीट होती नहीं जैसे, तो कैसे ही कर लेते हैं. खैर इसमें तो कमाल है ही, लेकिन इसके अलावा सोशल मीडिया पे इज़ वेरी एक्टिव. इनकी रील्स, डांस रील्स क्रेजी हैं और मुझे इनकी और बात इतनी प्यारी लगती है कि अपनी फैमिली के साथ खुल के सोशल मीडिया पे आते हैं, मज़े मज़े की वीडियोस बनाते हैं अपने प्यारे बेटे कबीर के साथ और अपनी प्यारी सी वाइफ इकरा के साथ. तो हम बुला रहे हैं ज़बरदस्त किंग ऑफ सोशल मीडिया एंड समटाइम्स कंट्रोवर्सीज ऑल्सो, यासिर हुसैन. और हमारे शो के दो पार्ट्स हैं. एक हम थोड़ी सी गपशप करेंगे, इट्स नॉट एन इंटरव्यू शो, दिस इज अ गपशप शो. ठीक है, क्या हो रहा है जिंदगी में, क्या चल रहा है, थोड़ा सा गपशप करके उसके बाद खेलेंगे सांप सीढ़ी. क्योंकि मैं भी थक गया हूँ अपना बचपन बता बता के लोगों को, मुझे लग रहा है मैं वो रिकॉर्ड कर लूँ एक और जाके प्ले कर दिया करूँ कि मेरा बचपन ऐसा गुजरा है. लोगों को मेरे बचपन में इतना इंटरेस्ट है, भाई जवानी में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा. नहीं नहीं, हम आपसे वादा है बचपन का कोई सवाल नहीं करेंगे. आइए प्लीज बैठिए. थैंक यू जी. तो शुरू करते हैं बहुत सी मस्ती थोड़े से टाइम में विद यासिर हुसैन. आहा, ये मेरा काउंटर देखो. बिल्कुल. ये देखो, ये यासिर, आप मेरा बिल कर दें, मेरा चेकआउट का टाइम. सॉरी. हाँ भाई, कमरा नंबर, चिकन कढ़ाई, 5 निहारियाँ. कमरा नंबर आपको पता ही होना चाहिए, मैं हर हफ्ते आता हूँ. ये ले जी, फैमिली का बिल. चेकआउट, हाँ कुछ ऐसा ही लग रहा है. टिकट वाला भी लग रहा है. नहीं, टिकट दे रही, लेकिन खड़ी होती है. टिकट वाली बेचारी खड़ी होती है, खड़ी होती, बैठी भी होती है. और मजे की बात है, जहाँ से आप वो बोर्डिंग लेते हैं वो वहाँ खड़ी होती है और जैसे ही आप जहाज के गेट पे पहुंचते हो वहाँ भी खड़ी होती है. ये कैसे आती है बीच में? मुझे कभी नजर नहीं आई वो स्टाफ एयरलाइन का कि वो टिकटिंग से एकदम यहाँ कैसे आ गई, कब हुआ, कैसे? ये असल में दो लड़कियां हायर करते हैं, लोकलाइक्स, ट्विन्स होती है, एक यहाँ होती है, एक वहाँ होती है. अच्छा, वैसे ट्रैवलिंग का तो आपको बहुत शौक है, अभी लास्ट कहाँ गए? लास्ट मैं गया हुआ था, मैं लास्ट वाकई कहाँ गया हूँ, मैं दुबई गया हुआ था अभी. हाँ. अभी अभी एक महीने पहले. तो पास की ही बात है ना. तो उससे पहले मैं, मेरे ख्याल में, मैं और इकरा थाईलैंड गए हुए थे. हाँ. उससे पहले मैं इंग्लैंड गया हुआ था. बचपन में तो इतना नहीं घूमे हो गए. बचपन में बहुत घूमा हूँ. अच्छा. हाँ, लोकल ट्रेन में. तो बचपन का सफर और अब का सफर कैसे बदल गया? बस अब बिजनेस क्लास जाते हैं. मजा आता है. नहीं, मुझे तो ट्रैवलिंग में वैसे ही मजा आता है, मैं गाड़ी पे भी जाऊं या बस पे भी हम जाएं तो मजा ही आता है. पर सबसे अच्छा लगता है जब आपको वो सूट देते हैं, नाइट सूट, और दो दे दें तो क्या ही बात है, फिर वो आप रख भी लेते हैं, उसमें आराम से आप सो जाएं तो कितना अच्छा लगता है. तो हाउ वाज थाईलैंड, टेल मी. थाईलैंड तो हम पिछले साल हम दो दफा गए हैं थाईलैंड. मजे का हो गया. मैं और इकरा, फिर हमारा एक दोस्त है, मेरी दोस्त है रिदा, उसका हस्बैंड उमर मेरा दोस्त है, तो हम मिलके भी एक दफा गए हैं. हम जाते रहते हैं, हम घूमते फिरते रहते हैं.
अब हम की बात करेंगे, हम कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक है। छोटा कबीर इज सो एडोरेबल माशाल्लाह। ज्यादा आप पे गया, सॉरी इकरा, लेकिन ये कि मुझे आप लेकिन बहुत तेजी से ना चेंज हो रहा है, वो इकरा की तरफ ज्यादा जा रहा है। कब से पता नहीं, पिछले दिनों मुझे कोई मिला था, उन्होंने कहा था ये तो बिल्कुल आप जैसा था, अब ये बिल्कुल इकरा जैसा होता जा रहा है। ये क्या वजह है? बच्चा बदलता जा रहा है मेरा। ये क्या बात, लगता है ज्यादा टाइम इकरा दे रही है तो वो माँ की तरफ इंक्लाइंड है। लेकिन वैसे ज्यादा स्पॉइल कौन कर रहा है, आप या इकरा, क्या लगता है? हम फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं। मैं तो नहीं कर रहा बिल्कुल भी। इकरा ये है कि इकरा भी नहीं कर रही। अभी क्या स्पॉइल करना, 2 साल का बच्चा है वो तो जो चाहे करे। दोनों का ज्यादा लाडला है। नहीं, वो फूफो और नानी का भी बहुत लाडला है। और वो माशाल्लाह आपको हेल्प बहुत करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। ये कितनी अच्छी बात है कि फैमिली हेल्प। अच्छा कितने लोगों को प्रॉब्लम है कि सेकंड बेबी कब कर रहे हैं आप? कितने लोगों को सेकंड बेबी इंशाल्लाह जल्द करेंगे हम। लेकिन लोग कितना पूछते हैं, ये तो मैं ऐसे पूछ रही हूँ, लोगों को कितना मसला है ये पूछने से? लोगों को कुछ तो मिले पूछने के लिए, अच्छी बात है, कोई बुरी चीज तो नहीं पूछ रहे। इकरा भी नॉर्मल सुन लेती है या वो कहती है आपको क्या है? नहीं नहीं कभी ऐसे हमसे किसी ने पूछा नहीं है, बट पूछ भी ले तो कोई बात नहीं, मैं माइंड नहीं करूंगा। उस पे सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे लोगों को बड़ी बहुत फिक्र होती है। हाँ इंस्टाग्राम लोगों को हर चीज की फिक्र है। हाँ। और अच्छी बात है लोग फिक्र कर रहे हैं। एक वक्त था हम कहते यार देखो हमारी कोई फिक्र नहीं कर रहा। हाँ। अब लोग फिक्र कर रहे हैं तो हमें परेशानी है कि लोग फिक्र बहुत कर रहे हैं। मेरे ख्याल में लाइक इट व्हेन यू गो विद फैमिली मॉल्स या क्राउडेड जगह पे, आप कोई मास्क वास्क लेके जाते हो? इकरा मास्क लेती है या ऐसे जाते हैं? एक चीज देखी है, अगर तो आप ये एम करके जाए कि मैंने यूं जूते की दुकान में जाना है वो उठाना है और नीचे से मैंने जो है वो सब्जी उठानी है और इकरा ने ये मेकअप लेना है, अगर आप ये एम करके घुसे ना और आपने कोई मास्क ना लगाया हो, आप सीधे उन दुकानों पे जाएं और वहां से चीजें उठाएं और वापस आ जाएं, कोई नहीं आपको रोकता, कोई तंग नहीं करता। फूड कोर्ट में के बर्गर कैसे मैंने खाएंगे? देखा है कि जब आप तैयार हो के बाल बना के जूते पहन के मॉल में जाएं और इधर उधर देखें जाके स्लो स्लो वॉक करें तब लोग आपके पास आते हैं। जल्दी जल्दी जाओ तो नहीं आते, जल्दी जल्दी जाएं अपना काम करें निकल जाएं। एक आधा बीच में आता है उसकी तस्वीर दी निकल गए, लेकिन अब आप फुर्सत से गए हैं कि आज 2 घंटे मॉल में गुजारूंगा। हाँ। और लोगों से मीट एंड ग्रीट भी करूंगा, फिर तो एक बंदा आता है फिर लाइन लग जाती है, फिर सब आना शुरू हो जाते हैं। कई तो ऐसे आते हैं वो नहीं जानते आपको, फिर भी आते हैं कि सब खिंचवा रहे हैं तो हम भी ले लेते हैं। तो कोई ऑकवर्ड मोमेंट हो जाता है जिसपे आप चिढ़ जाएं कि यार ये क्यों हो रहा है? जैसे होता है ना अपना बच्चा पकड़ा देते हैं, मुझे सब बहुत दफा हुआ, ये आपका बड़ा फैन है मैम इसके साथ पिक्चर ले लें, मैं देख रही हूँ 1 साल का बच्चा मेरा फैन कैसे हो सकता है? अच्छा मैं चिढ़ता नहीं हूँ बिल्कुल भी, लेकिन मुझे ये होता है कि लोग बहुत लंबी बात करनी शुरू कर देते हैं, प्यार में ही कर रहे होते हैं बेचारे, बट आप जल्दी में होते हैं तो रूड लगता है उन्हें ये कहना कि अच्छा जी मुझे इजाजत दें, तो बस वो एक थोड़ा सा मसला होता है, बाकी क्या तस्वीर उनका हक है ये। अच्छा तो मुझे ये बताएं कि छुट्टी का दिन घर में कैसा है, व्हेन यू आर ऑफ, आपका डे ऑफ हो, इकरा का वैसे कोई दिन होता है ऐसे दोनों ऑफ हो, कोई बनाया नहीं? हम दोनों ही, इकरा ने शादी के बाद, बल्कि कबीर के बाद, ये दूसरा ड्रामा है जो वो शूट कर रही है, उसने इतने अरसे से ब्रेक लिया हुआ है। हाँ, तो हमने छुट्टियां ही गुजारी हैं। मैं तो वैसे ही बहुत कम काम करता हूँ, तो मैं मोस्टली घर पे होता हूँ। हाँ, और इकरा भी बहुत कम काम करती है, अभी वो शूट पर है ज्यादा, वरना ब्रेक्स आती हैं बीच में 10-10 दिन की, 15-15 दिन की, तो हम घर ही होते हैं। अच्छा। हाँ। और दिन कैसे शुरू होता है, कोई खास है कि जी एक रूटीन? मैं सुबह बहुत जल्दी उठ जाता हूँ, लाइक मैं 6-7 बजे उठ जाता हूँ और 8 बजे कबीर उठ जाता है और वो उठते ही अपनी अम्मा को उठा देता है, तो बस फिर हम सब उठ जाते हैं और फिर वो बैकयार्ड का दरवाज़ा खुल जाता है, बस फिर भागना दौड़ना शुरू हो जाता है। हाँ। फिर हम बाहर ही नाश्ता कर लेते हैं और दिन शुरू हो जाता है। एक बात हम में कॉमन है कि हम शहर से दोनों जो हैं हम लोग बाहर रहना पसंद करते हैं। हमारे जो रिहाइश है वो मेन शहर से मैं दूर तो, मुझे तो लगता है सूबे से भी बाहर रहता हूँ। ये है आपका थोड़ा ज़्यादा आगे हो गया। ये क्या, हालांकि काम सारा इस तरफ है तो कराची के उस नुक्कड़ पे यासिर हुसैन और इकरा रहते हैं। उतना ज़्यादा काम हम करते ही नहीं है कि हमें रोज़ यहाँ आना पड़े, तो फिर हमारे लिए इतना मसला नहीं है, हम वहीं रहते हैं, वहीं पे घूमते फिरते हैं। अब लेकिन कबीर का स्कूल दूर होगा? जब स्कूल शुरू होगा तो जाहिर है दूर होगा, लेकिन वो हम अपने बुजुर्गों की बात सुनते थे ना कि वो 2 पहाड़ पार करके नदी में से मगरमच्छ को डॉज करके हम स्कूल जाया करते थे। हाँ। तो ये तो गाड़ी में बैठ के इधर आएगा, इसमें क्या बड़ी बात। लेकिन एक ये भी है ना एक थ्योरी कि जी बच्चा जहाँ हो उसके पास वाला स्कूल सिलेक्ट करो, करीब होना चाहिए विद इन अ किलोमीटर। इतना कंफर्ट जोन में नहीं रहना चाहिए भाई जिंदगी में, क्या हो गया जो अच्छा स्कूल हो जितना भी दूर है ना, दूर है। मेरी भी यही बात है, मुझे अब्बा इस पे बहुत डांटते, लेकिन मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं जाती हूँ, मैं क्यान के साथ 3 घंटे उसका वेट करती हूँ स्कूल का, फिर हम दोनों वापस आते हैं, क्या करें। हाँ नहीं कोई ऐसी बात नहीं, ये हमारी हमारा फर्ज है और हमें ये अदा करना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा ये बताएं कि इतनी डिवोर्सेज, इतनी फेल्ड मैरिजेस, बहुत दुख होता है हर दफा, क्या वजह है? दुख तो कोई नहीं होता, किसी को सब मजे ही ले रहे होते हैं। मैंने तो देखा पहले उस वक्त के मुझे लग रहा है इनके बीच में कुछ है,
फिर कहते हैं कि ओ हो हो ट्रबल इन पैराडाइज, उसके बाद ये वाली खबरें आती हैं, उसके बाद पता चलता है वो सेपरेशन हो गई, उसके बाद पता चलता है वो डिवोर्स हो गई। लोग तो मज़े ही ले रहे होते हैं इस बात से, दुख वुख तो किसी को नहीं हो रहा होता। मियाँ बीवी में लड़ाइयाँ चीज़ें होती हैं आम तौर पे वो, लेकिन इतनी ज़्यादा उसको आगे तक पहुँचा देना अपनी सोच में और ख़बरों में तो मुश्किल तो होती होगी ज़िंदगी, ज़ाहिर है। बिल्कुल। अच्छा हमारी तो कभी वजह क्या लगती है कि क्या स्पेशली शोबिज़ में जब दोनों हों तो क्या क्लैशेस, क्या प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, क्या हो जाते डिवोर्सेस, कहाँ रीजन क्या है? बहुत हमारे शोबिज में भी है, लोग ये कहते हैं शोबिज वालों की, हालांकि हर जगह ही ऐसा है, हर हाँ, शोबिज वालों की ज्यादा नजर आती है। करेक्ट। वरना exactly. देखें आप शोबिज वालों की जो शादियां चल रही हैं, आप दानिश आयजा को माशाल्लाह देखें, आप जॉन रैम्बो और साहिबा जी को देखें, आप और जवेरिया सऊद को देखें, आप यासिर और निदा को देखें, तो ये सारे शोबिज के ही लोग हैं ना। बिल्कुल। इनकी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही हैं शादियां। तो वजह क्या? अच्छा चलो चलने की वजह बताओ अपनी भी, क्या व्हाट इज द सीक्रेट, व्हाट इज द सक्सेस, क्या है फॉर्मूला? किसी भी शादी में अगर आप इनसिक्योर है ना कोई एक पार्टनर, तो वो शादी नहीं चल सकती, उसे चलना भी नहीं चाहिए। ये दोनों सवालों का जवाब। एक इनसिक्योर आदमी या एक इनसिक्योर औरत का, तब कैसे रह सकते हैं पूरी जिंदगी? जिसको आपकी तरक्की या आपकी स्मार्टनेस से एतराज है, तो उसके साथ तो रहा नहीं जा सकता, दोस्ती भी नहीं रखी जा सकती। अगर आप देखें एक दोस्त आपसे थोड़ा सा इनसिक्योर है या वो जेलसी में कन्वर्ट हो रही है चीज, तो कहाँ उसे दोस्ती रखी जा सकती है? तो जब दोस्ती नहीं रख सकते तो आप पूरी जिंदगी गुजारने का फैसला या पूरी जिंदगी कैसे गुजार सकते हैं, मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। तो यू सपोर्ट इकरा लॉट? वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करती है। ड्रामास ये हमेशा लोग कहते हैं कि मैं इकरा को बड़ा सपोर्ट करता हूं, तो इकरा भी मुझे बहुत सपोर्ट करती है। ये दोनों तरफ से होता है। बस हमारे माशरे में ये कि भी औरतों को सपोर्ट मर्द कम करते हैं, इसलिए उसकी जो है चीज को हम ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं और उसको बताते भी हैं। पहले भी कई दफा कहा है कि मुझे ऐसे अच्छा शौहर बना के प्रेजेंट करते हैं, मुझे अजीब लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि मैं कुछ खास नहीं कर रहा हूँ अच्छा शौहर होने के लिए। ये मेरा फ़र्ज़ है जो मैं अदा कर रहा हूँ, या अच्छी बीवी होना उसका फ़र्ज़ है, हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे इसके लिए। तो हमें हाँ, अगर किसी की शादी चल रही है तो उन्हें ऐसा दिखाया जाता है कि ओ ये तो दुनिया से अलग लोग हैं कि इनकी शादी चल रही है। ये आम बात है शादी का चलना। और अगर आप दोनों अच्छे हैं और शादी चला रहे हैं तो कुछ खास नहीं है, या एक शौहर अगर अपनी बीवी को सपोर्ट कर रहा है तो ये उसका फ़र्ज़ है, इसमें कुछ वो एक्स्ट्रा नहीं कर रहा। मुझे कोई एक्स्ट्रा क्रेडिट देने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक आम ही काम कर रहा हूँ। लेकिन ये आम काम बड़े खास घरों में ही हो रहा है, हर जगह नहीं हो रहा, कम हो रहा है शायद, इसलिए रेयर लगता होगा। बट मैंने तो देखा है, मैंने तो बहुत, मैं कल एक जगह खड़ा हुआ था बैंक के बाहर, तो एक लड़की और एक लड़का आए, वो मियाँ बीवी थे, तो मैं बैंक के मैनेजर के साथ खड़ा हुआ था, तो वो उनसे उन्हें कोई काम था, वो आए तो उन्होंने मुझे देखा, तो उन्होंने कहा अरे यासिर भाई मेरी बीवी का भी ऑडिशन कर लें, इनको एक्टिंग का बहुत शौक है। तो मुझे अच्छा लगा क्योंकि वो एक मियाँ कह रहा है कि मेरी बीवी का ऑडिशन कर लें, इनको एक्टिंग का शौक है। वाकई। बाद में वो मैनेजर ने मुझे कहा कि यार कि उसने कहा बड़ी मेरी भी बहुत अच्छी एक्टिंग करती है, इनका भी ऑडिशन कर रहे हैं। तो जब वो चले गए तो मैनेजर ने कहा तो इसमें कौन सा कमाल बात है, सबकी बीवियाँ करती हैं अच्छी एक्ट। बात तो सही है। व्हाट अबाउट एक्टिंग में फिटनेस का बड़ा कमाल है। तो मैंने लास्ट टाइम जब मैं यासिर को मिली थी तब भी वो कोई मुझे डाइट का ही बता रहा था, यू वर ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट जब मैं हमारे शो पे आई थी। अल्लाह माफ करे मैंने ये बात कर दी, अगर मेरे घर वाले मुझे मारेंगे कि मैं तो पाए खाता हूँ और मैं हर चीज खाता हूँ बहुत। अभी मैं बंस रोड पे खाना खा के आया हूं। अब लगता नहीं है, अब क्या हो गया? उन दिनों में बहुत खास डाइट कर रहे थे, खौफनाक किस्म की मुझे याद है। किसी जमाने में मैं बहुत स्ट्रिक्ट डाइट कर रहा था, फिर मैंने बाद में सोचा यार इसमें क्या रखा है, क्या अगर आप मजे, मतलब कि मैं खाना वाना कम किया हुआ था और रोटी चावल और रोटी नहीं खा रहा था, बाजरे की रोटी खा रहा था और ये वाले सारे चक्कर थे। बाजरे की रोटी जरूर खानी चाहिए मगर सारी चीजें खानी चाहिए, ये सारी मजे मजे की चीजें अगर हम नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? ये भी सही है, जो माली बनी है तो हम क्यों ना। मुझे तो ये लगता है ऑनेस्टली आपके, यार आप बिल्कुल शुगर छोड़ दें, बिल्कुल कार्ब छोड़ दें, आपका दिमाग खराब होने लग जाता है। बिल्कुल, एक चीज की आदत है आपके, आपके खून में है वो, और आपको वैसे भी कहते हैं कि आप जिस जगह रहते हैं ना उस इलाके की मिट्टी से उगी हुई सारी चीजें आपको खानी चाहिए। चीनी जरा एक बुरी चीज है, वैसे उसकी जगह गुड़ पे आ जाना चाहिए, हमने भी किया। अच्छा व्हाट अबाउट इकरा? वो तो नहीं खाता फिर कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, आप कहते हैं मेरा तो दिल चाह रहा है। इकरा आजकल कुछ कर रही है, लुकिंग वंडरफुल। हाँ, एक वो डाइट करती है कि वो अपना खाना मेरे ख्याल में 3 बजे से शुरू करती है और रात के 8 बजे तक रखती है, उसके बाद ना खाती है ना उससे पहले खाती है। इंटरमिटेंट फास्ट। हाँ, इंटरमिटेंट फास्ट सबसे मुश्किल काम। हाँ, बहुत कंट्रोल चाहिए इसके लिए। वो मुझे वो करती है वो, बाकी कोई ऐसा नहीं है कि वो ये नहीं खाएगी वो नहीं खाएगी,
वो तो हर चीज फ्रेंच फ्राइज भी खाती है, सब कुछ खाती है। हाँ, तो आप कर सकते हो ये वाली डाइट कि जिस पूरे 24 घंटे में 4 घंटे खाना हो? मैं जी इस चीज पे ही लानत भेजता हूँ और आए मिलके इज्तमाई लानत भेजे इस काम पे। सही बात है, मुझे बहुत कोई अलग किस्म के लोग होते हैं, वो नॉर्मल इंसान नहीं होते। हाँ। जो दिन में एक मील 24 घंटे की फास्टिंग काबू पा लेना, ये अलग ही लोग होते हैं, अलग मुश्किल काम है। मतलब उनके ऊपर कोई रिसर्च करनी चाहिए, एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। तुम हमें तो अपनी जुबान पे काबू नहीं है, हमने क्या करना है। वैसे क्या है, मतलब ऐसा क्यों है? और यासिर, इतने शोज में तुम जाते हो और वहां से कोई ना कोई चीज ऐसे वायरल हो जाती है जो कभी कभी मैं तो सोचती हूँ कि यार इसमें ऐसा क्या था। बात तो ठीक ही है, सवाल का जवाब दिया है, वायरल हो जाती है। अच्छी बात यह है कि मुझे इस तरह अंदाज़ा होता है कि बहुत सारे लोग कमेंट्स में भी और फॉलोअर्स जो हैं वो उन्हें बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें समझ आती है मेरी बात। हाँ। और मेरी कई कहीं भी बातें अब दो दो तीन तीन साल बाद ठीक साबित हो रही हैं, तो मुझे लगता है मैं सही बोल रहा था। जैसे कि मैंने कहा था पाकिस्तान और टर्की को कोलैबोरेट करना चाहिए, मिलकर एक ड्रामा बनाना चाहिए, वो 3 साल बाद बन रहा है। हाँ। अब बन रहा है, उस वक्त नहीं बन रहा। और उस वक्त ये भी बोला था कि अर्तुगरुल आप बेहतर कर लोगे। कोई भी बेहतर कर सकता है, व्हाई नॉट, उसमें क्या है। शान साहब ने पूरी जिंदगी घोड़ा चलाया, वो अर्तुगरुल में नहीं चला सकते, कोई भी चला सकते। हाँ। हमारे एक्टर क्या किसी से कम है, मुझे बताएं। वो एनवायरनमेंट मिल जाए, वो सारा कुछ। बिल्कुल। तो और अगर आपका घर देखें तो उसमें मुझे ये बताओ कि अलमारियों में ज्यादा इकरा के कपड़े हैं या यासिर के कपड़े हैं? मुकाबला बहुत सख्त है भाई। हम दोनों के पास जो है ना अलमारियां बराबर की हैं और हमने एक पूरा बड़ा वार्डरोब बनाया हुआ है जिसके अंदर सिर्फ अलमारियां हैं छत से जमीन तक। तो कपड़े तो आपको पता है एक्टर्स के पास होते हैं, जरा हर वक्त कहीं जाना आना रहता है, तो इसलिए। मेरे मियाँ एक्टर नहीं है और ईमान से कम से कम 4 अलमारियां उनकी मुझसे ज्यादा। आपके मियां एक्टर नहीं, नहीं है जी, बिल्कुल मैंने नहीं है। उनके जितने व्लॉग्स देखे, मैं नसीरुद्दीन शाह की फिल्में नहीं देखी। वैसे हाँ, अंदर उनके वैसे आर्टिस्ट है और आर्टिस्ट को पसंद बहुत करते हैं। भाई मैं कह रहा हूँ उनको आप एक ड्रामा करवा दें एज बड़ा भाई या चाचू या कुछ भी, फिर आप देखें उनकी लाइन लग जाएगी। वो आपसे ज्यादा सेट पे होंगे। मैं उस लाइन से ही बचाना चाह रही हूँ, आई एम वेरी पजेसिव यू नो। लेकिन वाकई फैसल की 4 अलमारियाँ, चाहे जूते हों चाहे कपड़े हों, उनकी ज्यादा होती हैं। आई डोंट नो व्हाई। तो आपका तो चलो सही टक्कर का मुकाबला चल रहा है। उनका साइज भी है ना कि कोई मांग भी नहीं सकता। ये देख ले जरा, बता नहीं। और फिर कहते हैं भाई ये शादी है तो नए कपड़े मुझे लेने चाहिए। मैंने कहा फैसल, मैंने कोई बंदा नहीं देखा जिसमें नॉन शोबिज जिसको इतना शौक हो कपड़ों जूतों का। और जूते मतलब कहीं घुस गए ना शू शॉप पे, अपने लिए भी लेना है, मेरे लिए भी लेना है, मतलब जूते लेने हैं। आप किसी भी वक्त बाजार जाएं तो जो लोग घूम रहे होते हैं दुकानों में वो सारे एक्टर्स होते हैं। नहीं तो आम लोग होते हैं, उन्हीं को शौक है ज्यादा जूते कपड़े का। उन्हें लगाने वाले हम लोग हैं, वो हमें देखते हैं, उन्हें लगता है ये सारा दिन तैयार घूमते हैं। आप देखिए मुझे कभी घर आके, मैं फटी हुई एक टूटी हुई चप्पल होती है मेरी और एक शॉर्ट्स होते हैं और एक टी शर्ट होती है। हाँ। और सर्दियों में उसी के ऊपर हुडी होती है। हम तो तैयार ही नहीं होते, आम लोग ज्यादा तैयार होते हैं। तो शौक किस चीज का जिसपे स्पेंड करते हो बहुत ज्यादा? ट्रैवलिंग, कार्स। कार्स भी। गाड़ी कौन सी रखी है? गाड़ी मैंने रखी हुई है डाला। डाला, ये वही डाले होते हैं जो आपकी गाड़ी के पीछे ना ऐसे ऐसे दे रहे होते हैं लाइटें, और डर लग जाता है। मैं कहती हूँ आप गुजर, टोयोटा, बहुत डर लगता है। डर लगता है मुझे डालों से डर लगता है कि यार ये नहीं, कराची जैसी सड़कों के लिए ना डाला बेहतरीन चीज है। हाँ। मतलब उन सड़कों, वो बना तो पहाड़ों के लिए, मगर कराची में भी पहाड़ी है। इकरा तो छोटी सी क्यूट सी, वो कैसे चलाती है उसको? इकरा के पास अपनी गाड़ी है उसकी, तो वो तो नहीं, वो ड्राइवर के साथ ज्यादातर होती है, मैं उसे ज्यादा चलाने नहीं देता। वैसे वो चलाती है तो बड़ी क्यूट लगती है, बड़ी सी गाड़ी में छोटी सी बैठी है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ क्योंकि हाईवे का रास्ता है, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि यार नहीं ड्राइवर को चलाना चाहिए, सेफ नहीं होता। अच्छा, उसके अलावा सनग्लासेस, कपड़े, शूज, ग्लासेस का है मेरे पास, ग्लासेस हैं। कितनी ग्लासेस हैं? थोड़े बहुत। कितने? थोड़े से। असल में मुझे बचपन से ग्लासेस लगे हुए हैं, तो मैं तब से चश्मे पहनता आ रहा हूँ, मेरे पास बहुत चश्मे जमा हो गए। मैंने बचपन की बात नहीं की, यासिर ने खुद की है। हाँ। मैंने कहा था बचपन की बात नहीं करेंगे, वापस लो। बिल्कुल नहीं। हाँ, चाहो तो कितनी चश्मे हैं मेरे पास, काफी हैं। हाँ। होंगे 20-50 ऐसे। 20-50? 20 से 22 हो सकता है, 20-25 हो सकते हैं। 20-50 का भी सुना है आपने? नया लाया हूँ मैं। नया लाया है वो, जब ना सिंपलिसिटी है बोलना कि लोग पकड़े भी नहीं क्यों इतनी ज्यादा है। 20 नहीं, वो इसलिए क्योंकि मेरा ना नंबर चेंज होता रहता है। हाँ, कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है। कैसे हो जाता है? आपका ठीक हो, कभी नजर ठीक हो जाती है, कभी थोड़ी सी और। मुझे नहीं पता था। हाँ, होता है। आपके ख्याल में क्या, जो किसी की नजर खराब होती है तो उसके बाद कमजोर होती है, वो उतनी ही रह जाती है? खराब हो सकती है, लेकिन ठीक कैसे हो जाती है और फिर खराब हो जाती है?
हुई हो जाती है। हाँ। आप सौंफ खाएं, गाजरें खाएं, दूध पिएं, घास पे चलें, तो उससे हो जाता है? नहीं। हाँ। ऐसे छोड़े लंबी लंबी। कहते हैं कि उससे हो जाती है। आजकल के जो शोज हैं और पॉडकास्ट, आई थिंक आप बहुत सारे कर रहे होते हैं, व्हाई डोंट यू हैव योर ओन पॉडकास्ट? मुझे सब कह रहे हैं कि आप पॉडकास्ट करें। ये जिसका नहीं होना चाहिए उसका पॉडकास्ट है, पता नहीं क्या कर रहे हैं वो। कौन? एक लिस्ट है मेरे पास। लेकिन ये कि जिनका होना चाहिए। YouTube ने एक मौका दिया है सबको ये करने का। हाँ। और सब लोग वो कर रहे हैं, अब उसमें मैं भी जंप कर जाऊं बहुत ज्यादा हो जाएगा। व्हाई नॉट, देखेंगे कुछ अच्छा हुआ। मसला है कि आप होस्ट हो, आपको होस्टिंग आती है, कॉन्टैक्ट्स हैं आपके, तो पॉडकास्ट में तो यही होता है कि जरा आपके कॉन्टैक्ट्स हो और ये कि होस्टिंग आए। मैं चाहता हूं मैं कोई ऐसी चीज करूं जिसमें मैं अपने कॉन्टैक्ट को बुलाऊं तो उसको पैसे भी दूं, मेरी ये ख्वाहिश है। हाँ तो दे दो ना पैसे, मैंने कब मना किया? मैं जेब से थोड़ी दूंगा। नहीं, मैं क्यों आप शो पे बुलाएं? बिल्कुल हम चेक लेंगे आपसे। मैं बिल्कुल ऐसे नहीं कहूंगी यासर वादा है कि इट्स ओके फ्री फॉर यू, मैं शो पे आऊंगी, मैं बिल्कुल चार्ज। नहीं, मुझे कोई अगर कहता है ये फ्री है, मैं कर लेता हूं, मुझे मसला नहीं है। हाँ, अच्छा अच्छा, ये भी है टीवी का नहीं, अगर पॉडकास्ट वगैरह का तो फ्री भी कर लेते हो। व्हाई नॉट, किसी का काम हो रहा है उसको उसका फायदा हो जाएगा, क्या बुरी बात है। अच्छा, और चलो एक तो ये पॉडकास्ट हो गया, ठीक है, ये लोग, इसके अलावा जो टीवी के शोज हैं उधर 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 कैसा लगता है कि क्या ट्रेंड इस वक्त चल रहा है? तो मेल होस्ट बहुत ज़्यादा हैं और फीमेल होस्ट बहुत कम है। मुझे तो एक ये चीज़ लगती है कि नहीं यार, थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए, ऐसे पहले कभी भी नहीं हुआ कि इतने मेल होस्ट हों और फीमेल। भाई, निदा जो है वो कितने साल से होस्ट कर रही है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। कई मर्द आए और गए। तो फीमेल होस्ट हैं जो वो आज तक टिकी हुई हैं, लेकिन इवनिंग शोज में आई थिंक वी आर दी ओनली वंस अभी इस स्लॉट में, और होने चाहिए, ज्यादा कंपटीशन हो, ज्यादा शोज हो, ज्यादा मेल है। लेकिन शोज बनाते ही बहुत कम है ना, और दूसरा शो बनाना जो है ना एक मुश्किल काम है। शो में आपको कॉन्टेंट क्रिएट करना है, सिर्फ सेलिब्रिटी बिठा के उससे उसकी बातें पूछना आज क्या कर रहे हैं और पहले क्या करते थे, तो ये कंटेंट क्रिएट करना ये बड़ा मुश्किल काम है। शो क्रिएट करना बहुत मुश्किल काम है, होस्टिंग भी आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। यू आर टेलिंग मी? नहीं, आपको कौन बता सकता है ये बात, लेकिन आपको पता होगा कि ये मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। बस आई थिंक आप एंजॉय करते हैं। हाँ, तो इतना पता नहीं करें तो फिर मुझे बल्कि लगता है गेस्ट बनना मुश्किल काम है। अच्छा, मुझे गेस्ट बनने में तो बहुत मजा। मैं तो गेस्ट होती ना तो फिर मैं आजकल ऐसे ऐसे होती हूँ, क्या कहे, क्या कहना चाह रहा है, क्या बोलेगा। हाँ, वैसे मैंने ये बात नोट की, आप मेरे शो पे भी आई थी। जैसी आप होस्ट है ना, आप गेस्ट वैसी नहीं है, आप बहुत वो है कि वो ये मैंने क्या कहा है, नहीं ये सवाल ठीक नहीं है, यूं है, आप बड़ी ट्रिकी गेस्ट हैं। क्योंकि मैं मुंह फटू बोल देती हूँ, और मुझे मैं कहती हूँ कि नया नहीं बोलना, क्योंकि ये दिस विल बी यूज अगेंस्ट यू फजूल में, और वो समझ नहीं आता। अच्छा, सबसे गड़बड़ चीज शोज क्या करते हैं कि आपने कोई जवाब दिया, जवाब इतना लंबा है उसमें से एक टुकड़ा निकाल दिया, उसको वायरल कर दिया, और वो एकदम गलत। किसी की भी कोई चीज वायरल हुई है उसके बाद उसे नुकसान क्या हुआ है? कभी आप पे कोर्ट केस हुआ है कुछ कहने पे? कोर्ट केस नहीं, नहीं हुआ ना। क्या हुआ है, कौन सा आपसे काम छिन गया है, कौन सा आपसे ड्रामा ले लिया गया है कि आपने वो बात कही थी इसलिए आप उस ड्रामे में नहीं? कुछ भी नहीं होता, ये आवाम के लिए क्लेरिफिकेशन जो देनी पड़ती है ना, भाई ये नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, मैंने ये बोला था। और मुझे वैसे चिड़चिड़ती कि यार ऐसे लगाया क्यों, ऐसे करें क्यों, लोग बहुत सारे डिस्टर्ब होते हैं। क्लेरिफिकेशन मांग कौन रहा है और आप क्यों दे रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है इसका, बस आपने जो कहना था कह दिया, बात खत्म। हर बंदे की एक ओपिनियन होता है, उसने कह दिया। अच्छा, व्हाट इफ मैं आपके लिए एक दिन के लिए हम रेंट पे लेके आए एक टाइम मशीन, और आपको कहें जी टाइम में पहले जाओ और अपनी जिंदगी का कोई भी वाकया उसको चेंज कर दो, बैक इन टाइम। कोई भी वाकया? हाँ, कोई भी वाकया, इंसिडेंट, डिसीजन, कोई जिंदगी की जाके यार मैं ऐसे नहीं, इसको ऐसे कर लेता तो अच्छा होता। किस साल में जाएंगे और क्या चेंज करेंगे? नहीं, मैं मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है, मैंने जो किया है वो बिल्कुल मेरे हिसाब से ठीक है। कोई छोटा सा याद करो, छोटा सा वाकया, यार ऐसे कर लेता तो। आई थिंक मेरी अम्मा की डेथ पे मैं वहां मौजूद नहीं था, तो शायद मैं अगर टाइम मशीन से पीछे जाऊं तो मैं वहां चला जाऊंगा और वहां रुकूंगा। क्या वजह, शहर में नहीं थे, मुल्क मैं कराची में था, वो इस्लामाबाद में थी। अरे, दैट्स सो सैड। सिवाय इसके कुछ ऐसा रिग्रेट नहीं है मेरी जिंदगी में कि मैंने कोई ऐसा गलत चीज की है जो मैं रिग्रेट करता हूँ और उसको ठीक करना चाहता हूँ। बिल्कुल, मैंने जो कहा जो किया मैं उस पर आज भी कायम हूँ। बट ये खुशी है कि यू आर अ गुड सन, ये तो वही बता सकती थी, मैं तो नहीं बता सकता, खुद से कौन कह सकता है। हाँ।
इनकी बहन है जिनसे मेरी बड़ी दोस्ती है और दुबई में बहुत प्यारा गाती हैं। जब कभी हम लोग फ्रेंड्स वगैरह इकट्ठे होते हैं तो शुमाला का जिक्र मैं ज़रूर करूंगी। शी इज़ अ वेरी नाइस सिंगर और बड़े हमारे ड्रामास के ओएसटी भी गाए हैं। तो मैंने अभी तक जितनी चीज़ें डायरेक्ट की हैं उन सब में मैंने शुमाला से ही गाने बनवाए हैं। और मैं से कहती थी तुम दुबई में क्या कर रही हो, तुम कराची आ जाओ और तुम्हें कराची में यहाँ ओएसटीज और यहाँ परफॉर्म और कॉन्सर्ट्स करने चाहिए। नहीं, वो बिल्कुल ठीक जगह है और बहुत अच्छा म्यूज़िक बना रही है वहाँ बैठ के, और अच्छा है कि वो भी कम काम करती है, वरना वो आप उसकी इतनी तारीफ ना कर रही होती। तो कैसा बॉन्ड है, क्योंकि इकरा के साथ तो पता है सबको बॉन्डिंग का, विद योर सिस्टर, भाई कैसे हो, कैसे भाई हो? अच्छा, बहुत अच्छा बॉन्ड है सब बहनों के साथ ही। शुमाइला के साथ ये है कि मेरे और उसमें बस एक साल का डिफरेंस है, तो हम ज़रा ज़्यादा क्लोज हैं बाकियों से। और भी बहन भाई दोनों, हाँ दोनों इसी फील्ड में हैं, बाकी इस फील्ड में नहीं है कोई। अच्छा, मुझे किसी ने कहा कि ज़ारा जो ज़ारा नूर है उनके जो हस्बैंड हैं असद, वो आपके भाई हैं। बस जी भाइयों की तरह ही। मैंने कहा नहीं, सगे भाई नहीं होंगे, भाई के, मैंने भी यही कहा। तो लेकिन उससे मेरी लोग कहते हैं कि शक्ल मिलती है, लेकिन सगे भाई नहीं है, बट बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत मिलना जुलना रहता है, क्लोज है। हाँ, अच्छा, तो अभी आगे क्या प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई ड्रामा, कोई खास कोई शो? वैसे तो मैं चाहूंगी आप शो करें कोई जबरदस्त सा या पॉडकास्ट। हाँ जी, कोई प्लान तो है कुछ शो करने का, और मैं आजकल जो है ना शॉर्ट फिल्म बना रहा हूँ और फीचर फिल्म की तैयारी है। तो अभी मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है जो बस पोस्ट प्रोडक्शन में है, और वो फेस्टिवल के लिए है, इंटरनेशनल फेस्टिवल्स के लिए है। काफ़ी डिफरेंट है, पीरियड है, तो देखें मज़ा आएगा। यासिर की बहुत मज़ेदार होती हैं इनकी रील्स, और वो रील्स आज यहाँ रिक्रिएट होंगी। रील्स कैसे? हाँ, रील्स इतनी मज़े की, उसमें डांसेस चल रहे होते हैं, जो वायरल गाना हो यासिर उस पर ना। एक मैंने नहीं नहीं एक मैंने हसन के साथ रील बनाई थी, एक दो हैं, दोनों दिखा चलाना भाई, हसन रिजवी के साथ मैंने एक। वो कैसे हुई? वो बड़ा बड़ा मुश्किल, और उसमें ये वाला जो था ना स्टेप, आहा, हसन ने सिखाया था, मैंने सिर्फ हसन को आइडिया दिया था कि यार ये रील बनाते हैं सोशल मीडिया पे। ब्लूपर्स भी लगाए थे, तो इतनी गलतियां थी मेरी, पता नहीं कितनी टेक्स में हुआ था वो। अच्छा, मैं उसको देख के कह रही हूं आसिर कितना अमेजिंग डांस करता है भाई। नहीं, मैं भूल जाता हूँ, मुझे स्टेप्स नहीं याद। शादी वादियों में तो करते हैं ना डांस, पर स्टेप्स नहीं याद होते ना, शादी में भी एक्टिंग ही कर रहे होते हैं ऐसे। और शादियों पे वैसे जाना पसंद है, तैयार होके जाना वहाँ सलामियाँ देना? हाँ, मैं चला जाता हूँ शादियों पे। कितनी देर? मजा आता है मुझे शादी पे जाके, है ना। ओके जी, हम आपको रील्स की भी झलकियाँ थोड़ी सी दिखाएंगे, अभी देख भी लें, और उसके बाद हम शुरू कर रहे हैं सांप सीढ़ी। डू यू नो अबाउट सांप सीढ़ी? जी बिल्कुल, मैं आपको और डिटेल से बताना चाहूंगी। ये जो लूडो के पीछे होती है, लेकिन ये यहाँ जो होती है सांप सीढ़ी, उसमें ज्यादा मस्ती होती है। बताएंगे, खेलेंगे यासिर हुसैन के साथ सांप सीढ़ी आफ्टर द शॉर्ट। ये रिकॉर्ड तो नहीं हुआ ना? ये बिल्कुल रिकॉर्ड हुआ, आपके सब घर वाले देखेंगे और कहेंगे शर्म आनी चाहिए, तो मैं शर्म आनी हूँ। थू 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 करेंगे। थू थू करेंगे। बिल्कुल सही। तो जी, वेलकम बैक टू थोड़ी सी मस्ती विद मी नादिया खान, और मेरे साथ बहुत सारी मस्ती लेके आए हैं ये यासिर हुसैन होते हैं। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। I'm all right, अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा। ये देख रहे हैं आपके आपके सामने क्या है, व्हाट इज दिस? सांप सीढ़ी। सांप सीढ़ी खेली है कभी? बचपन में। जीते या हारे? हमेशा हारा। ये अभी तक जितने भी सेलिब्रिटीज मेरे शो पे आए सबने यही कहा है, कोई खास हमें कुछ है वायरिंग का फॉल्ट कि हम हार जाते हैं हमेशा, क्योंकि सांप सीढ़ी पे भी सेलिब्रिटी दिख रहे हैं ज्यादा। जॉनी पहचानी नहीं थोड़ी सी बहुत ज्यादा, और वो तो वो लग रहा भाई। वो मैं तो बता है ही वो। और ये तो बस वही ना, नहीं बदला, सीधा नहीं हुआ। नहीं, वैसे जिंदगी में
सीढ़ियां ज्यादा मिली ऊपर जाने के लिए या सांप मिले? टू बी वेरी ऑनेस्ट, सीढ़ियां ज्यादा मिली, सांप इतने नहीं मिले, इतने क्या मिले नहीं। जब सांप मिलते तो क्या करते हैं? बीन बजाते हैं। क्या बात है, जी हाँ। तो ये सीढ़ियां ऊपर जा रही हैं, सांप आपको नीचे लेके आएंगे। 1 to 50 है, 1 to 100 नहीं है ना, टाइम नहीं है हमारे पास, वी आर वेरी बिजी यू सी। तो और बीच में जो 50 नंबर हैं, इसमें जब आप डाइस फेंकेंगे, जहां रुकेंगे एक डेयर करनी पड़ेगी। ठीक हो गया, और अगर मैं कहीं रुकू ही ना तो? ऐसे अभी तक तो हुआ नहीं आसिफ हुसैन, चले देखते हैं, अभी होगा भी नहीं। अच्छा, क्या नंबर ही नहीं है? है ही नहीं ऐसा कुछ। तो यासिर हुसैन कैसा खेलेंगे सांप सीढ़ी, आई वंडर। बहुत मजे की डेयर्स हैं इसमें, कुछ बहुत खतरनाक हैं। मैं आपको मशवरा ये दूंगी कि आप खुल के खेलें। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, आइए चलिए शुरू करते हैं सांप सीढ़ी विद यासिर हुसैन। गाइस, बहुत जोर से आया भाई, 5। इतनी जल्दी में क्यों है भाई? क्या हो रहा है? तो पहला जो हमारा डेयर है वो है लाइट्स कैमरा जैम। मेरा इंतजार करना सिंड्रेला, मेरा इंतजार करना, मैं रास्ते में हूं, बस आ रहा हूँ मैं, किस मिलने से पहले ना मर जाना संजना, संजना मेरा इंतजार, बेवफा नहीं हूँ, इतना बुरा नहीं हूँ, मुझे मिलने से पहले ना मर जाना संजना, संजना। ये गाना तो नहीं है, ये क्या है? ये तो नॉर्मल होता है, अभी मैं रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ बस। पहुंच रहा हूँ, इकरा आ रहा हूँ। सज्जाद अली का इतना खूबसूरत गाना खराब किया मैंने और आप कह रही हैं गाना नहीं। लेकिन इसमें तो ये लग रहा है कि जैसे वो कोई बात कर रहे थे और गाना बन गया अचानक, वरना ये तो नॉर्मल हमारे घर की बातें हैं। सज्जाद भाई बात भी करें तो खूबसूरत लगता है ये तो है क्या। और कितनी अच्छा अलग से गाने होते हैं उनके, कि जब बंदा कहते हैं यार इस पे गाना बन कैसे गया, रक्षे वाले, सिंड्रेला वाला, बेबिया, जब बेबिया टाइम पे क्या कर रहे थे तुम? याद भी नहीं है, याद, ओहो बहुत हैपनिंग था भाई। दीदी आया और उसके बाद वो जो आके उन्होंने जंप मारी और आके जो ये बॉय स्टाइल जबरदस्त किया, वो वीडियो बड़ी अच्छी है, वो बेबिया, बेबिया इज वेरी गुड, वो क्लासिक है। तो ये बहुत अच्छा खेल रहे हैं यासिर हुसैन, नाइस अटेम्प्ट, बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारा गाना गाया, बहुत ही सुरीले आवाज में गाते रहे और फेंके। 4 से 30 पे आएंगे, ये नहीं हो सकता, अगली सीढ़ी उतना तो नहीं। ओके जी, अभी आप ऐसा करेंगे कि रेसिपी, खाने के शो के आप होस्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं, खाने बनाते हैं मजेदार, लेकिन सिर्फ क्या चाहिए कि डायलेक्ट डिफरेंट होना चाहिए। सबसे पहले पतीला ले लें, उसमें पानी डालें, चावल डालें, प्याज डालें और जी 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 जीरा, जीरा और साथ में अपना सारे मसाले डाल के और चूल्हा जे 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 जलाएं और उसके बाद उसमें बोल रहा हूँ तो दही बोलूँगा ना, दही, हाँ दही डालें, फिर मुर्गी डाल दें और उसके बाद उसको अरे दम निकल रहा है, दम लगाएंगे और फिर उसके बाद पुलाव को प्लेट में निकाल के आपको देने के बजाय खुद खा ले। अमेजिंग, तो अलग ही किस्म का हकलाना था, आई लव इट। ओके जी, कंटिन्यू करते हैं गेम, डाइस किधर है, सांप रेडी रहो, आ रहा है। जल्दी क्या है, जल्दी क्या है, शो का टाइम भी पूरा करना है। यासिर आपको पता है एक सांप भी मेरे रास्ते में नहीं आया, मैंने क्या कहा था? अगला आएगा बच्चू, अगला आना है, इसको पीछे लेके आना है। ओके, अगली डेयर, रिपोर्टर हैं आप? रिपोर्टर हैं, मैं न्यूज़कास्टर हूँ। ओके, ठीक है जी, न्यूज़कास्टर हूँ
और मैं गलत खबरें सुनाती हूं। हाँ, मैं गलत खबरें बिल्कुल, और मैं तैयार भी होती हूँ बड़ा जैसा फिट होके, मैं अपनी फिर न्यूज दे रही होती हूँ और आप स्पेशल रिपोर्टर हैं। जी जी जी, नादिया मेरे को आवाज आ रही है आपकी, इधर मैं सकर में खड़ा हूँ, यहाँ पे बहुत रच पड़ा हुआ है कि बाबा जो है वो बिल्कुल ही 80 सालों का बाबा है। नादिया आपको मेरी आवाज आ रही? नादिया जी जी, नादिया आप मेरे को देख सकती हो? जी जी नादिया, ठीक लग रहा हूँ मैं? जी जी बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। क्या नादिया, मैं इधर खड़ा हूँ सखर में और यहाँ एक बाबा जो है वो 80 साल से नहाया नहीं है, और अभी देखो इसका कि उसका नसीब देखो है कि आज वो नहाया है और आज ही मर गया है। नादिया इधर बहुत रश लगा हुआ है, हर बंदा यहाँ पे आ गया है कि यार नहाया क्यों है, इसने गटर बंद कर दिया है, इतना इसने मेल निकाला है। नादिया नादिया, जहाँ पे आपके कैमरा मैन जो भी लोग हैं इनको भी बोलो बाबा नहाया करो, बाद में ऐसा होता है अचानक नहाए तो बंदा मर जाता है। तो नादिया ये रिपोर्ट है, मैं अशरफी और मेरे साथ कैमरामैन, ये तेरा नाम क्या है? नादिया ये लड़का नाम नहीं बता रहा है पर मैं हूँ इधर अशरफी और मैं ये रिपोर्ट दे रहा था। हाँ बाबा मर गए भाई। जी वेरी नाइस, खेलिए आहिस्ता फिर जल्दी में डायलॉग आपको एक बताऊंगी मैं। सही है। ये हमारा इमोजी राउंड है, आपने इसको डिफरेंट इमोजीज एक्सप्रेशंस में बोलना है। ठीक है ठीक है, ओके। लाइन है आपकी बहुत ही जबरदस्त, हमने ऐसी बात करने की हिम्मत कैसे की, तुम मेरी बहन की दोस्त हो, मैं तुम्हारे बारे में ऐसे सोच भी नहीं सकता। ओ शट अप शबो। अरे मैंने तुम्हारे बारे में कभी ऐसे सोचा ही नहीं, तुम मेरी बहन की दोस्त हो। शट अप शबो। मैं तुम्हें कभी ऐसी नजर से देखा ही नहीं। हाँ मैंने देखा भी नहीं इस नजर से तुम्हें। भाई लाना था शबो। शर्म करो कोई और डूब मरो जाके कहीं तुम शबो। वेरी नाइस, अब इसको हम करेंगे गुस्से में। ये तुम कैसी बातें कर रही हो शबो, तो मेरी बहन की दोस्त हो, मैंने तुम्हें कभी इस नजर से देखा नहीं है। ओ शट अप शबो, आगे से बहस कर रही हो, पैसे दे दो। उतरो मेरी गाड़ी से। हाँ। ओ शट अप। निकलो निकलो मेरे घर से, और वो कह रही है आप मेरे घर में खड़े। अब क्या करें। ओके अब यही बात सैड है, उसके बाद डर है। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो शबो, तुम मेरी बहन की दोस्त हो। ओ शट अप शब। मैंने तुम्हें इस नजर से नहीं देखा। मैंने तुम्हें भी इस नजर से नहीं देखा जब। मेरी किसी को इस नजर से। मेरी वो वाली नजरें खराब हो गई। अच्छा जी आप डरे हुए हैं। मैंने तुम्हें इस नजर से कभी देखा भी नहीं है शबो, तुम कैसी बातें कर रही हो शबो, तुम मेरी बहन की दोस्त हो शबो। ओ शट अप शबो। शबो कुछ मारना दे। हमने वो काम करवा लिया जो मुझे समझ आ गई है कि ये आपकी स्ट्रेंथ है, गपशप बातें इंटरव्यूज। हाँ हाँ, जो परफॉर्मेंस आपकी स्ट्रेंथ है ना, यू आर अमेजिंग। आप बने ही गेम शो के लिए। अच्छा ओके रेडी कम ऑन। सेफ है, सेफ है। हाँ सेफ है। ओके लाइट्स कैमरा। आपको फिल्म कर लेनी चाहिए थी। जिस फिल्म की ऑफर थी उसमें ना गाना था, अच्छा, ना हीरो था, ना रोमांस था, और ना मतलब ये डांस वांस की तो बात ही नहीं थी, तो क्यों करती है? वैसे कौन सी फिल्म थी? छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे उसका जिक्र। ये मैं आपको सोशल मीडिया पे बताऊंगा कौन सी फिल्म।
ये बताएंगे जी हाँ, और वो वीडियो फिर वायरल हो जाएगी. वेरी नाइस. वैसे कौन सा काम तुम नहीं कर सकते हो? गा सकते हो, नाच सकते हो. कहाँ गा सकता हूँ? एक्टिंग कर सकते हो. उनसे पूछे जो अच्छे म्यूजिशियंस बैठे हैं. अच्छा, तो इकरा को डांस दिखाया है ये कभी इस तरह ये घर में? इकरा तो बहुत देखती है मेरा डांस. किसको? वैसे रोज घर पे है. हाँ, वो जरा तमाशबीन मिजाज है. अच्छा, तो कहते शुरू हो जाओ. नाचो यासिर, कहा इसने कभी नाचो यासिर? कहा है? कोई खास वजह, कोई मौका? मेरे पास घुंघरू भी है, मैं मजाक नहीं कर रहा. मैंने एक कैरेक्टर किया था आंगन टेढ़ा में, अकबर का. तो अकबर जो है वो 70s का एक क्लासिकल डांसर था. सही. और फिर वो बाद में जब जिया साहब के दौर में अकेडमीज बंद हुई तो वो एक ऑफिसर के घर शेफ लग गया था, खानसामा. तो उसके पास वो उसके घुंघरू थे, तो उसमें मेरे पास घुंघरू थे, तो वो मेरे पास आज तक रखे हुए अकबर के घुंघरू. अच्छा, तो वो इकरा के सामने वो डांस होता है? नहीं, घुंघरू वाला अभी तक उसे नहीं दिखाया, पर उसे घुंघरू की आदत पड़ना पड़ जाए. अच्छा जी, ये अभी तक बड़ा बहुत ट्रिकी वाला डेयर है जो अभी तक पूरी तरह से कोई कर नहीं पाया. मुझे लग रहा है आज यासिर हुसैन कर लेंगे और समझ जाएंगे कि मेरे ज़हन में क्या है. रोमांटिक म्यूजिक प्लीज, छेड़छाड़ वाला म्यूजिक जी. रात का वक्त है, लेट 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 नाइट पे एक आरजे शो करता है. जो शो कम होता है, ख्वातीन के जज्बात से ज्यादा खेल रहा होता है. जी जी, सुना होगा आपने ऐसा शो. जी हाँ, मेरी आवाज सुनो, महसूस करो. मुझे माइक दे दे. समझ गए ना? ये वो शो है, आप शो कर रहे हैं. कॉल भी आ सकती है. मैं शो करने की कोशिश कर रहा हूँ. तो आप आरजे हैं जिसको किसी ने देखा नहीं है, आवाज के पीछे सब दीवानी. ये आरजे मुझे यकीन है कि वहां बैठ के नहीं शो करता हुआ, यहाँ आ जाता. ये दैट्स इट. आ गए हो उस कैरेक्टर में, तो यासिर हुसैन आ गए हो. मैं तो कहता हूँ लेट्स स्टार्ट द शो. यस, लेट्स स्टार्ट द शो. एकदम कमर्शियल आया और म्यूजिक शुरू हो गया. डिम लाइट से आते हैं एकदम. गुलों में रंग भरे, बादे लौ बहार चले, चले भी आओ गुलशन का कारोबार चले. जी हाँ कॉलर्स, मैं हूँ आपका अपना दुखी दर्द की और हसीनाओं की तमन्नाओं और जज्बात के लम्हात को मद्देनजर रखते हुए आपका अपना सागर. सागर को कॉल करने के लिए नंबर तो नोट कर लीजिए, 2244665439. जी हाँ, तो देखते हैं कि कौन कॉलर है हमारे साथ. हेलो. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आपकी आवाज मुझे बहुत पसंद है, मैं आपसे दीवानी वाली मोहब्बत करती हूँ. गो कि आपकी आवाज मेरे कानों में बहुत नागवार गुजर रही है, लेकिन क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शगुफ्ता. शगुफ्ता, इसमें शा भी है, गा भी है, फा भी है और ता तो है. जी बस मैं आपसे कुछ कहना चाह रही थी. टू शगुफ्ता, मुझे आई लव यू कहना चाह रही थी, लेकिन शायद क्रेडिट कम होने की वजह से उनके जज्बात उनके दिल में ही रह गए. मगर शगुफ्ता, आपको एक बात बता दूं, मेरे दिल में भी वो ही जज्बात हैं जो आपके दिल में. यस, आई लव यू शगुफ्ता, आई लव यू. देर रात कॉल करते रहिए. कॉल आ गई. सागर एक और कॉल लेने के लिए तैयार है. कौन है उस तरफ? हेलो. हेलो, सलाम. मैं बात कर रही हूँ शकीला. मुझे पता है आप छुप कर बात कर रही हैं. जी हाँ, मैं छुप के बात कर रही हूँ. छुप के बात करने का भी अपना ही मजा है. देखिए, मेरे भाई को अगर पता चला कि मैं आपका शो सुन रही हूँ तो वो मुझे बहुत मारेंगे. मुझे बताइए, मैं घर से भाग के आपके साथ शादी करना चाहती हूँ. कब आऊँ, कब भागूँ? मेरा शो सुन रहा है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड भी ये शो बहुत शौक से सुनती है. और जहाँ तक बात है आपके साथ भागने का, मैं तो तैयार हूँ. क्या आप तैयार हैं? Oh no! Are you ready?
थैंक यू, साइन ऑफ, साइन ऑफ, बहुत जबरदस्त। ये शो मैंने सुना हुआ इस तरह का, मुझे पता है। बहुत लोगों ने सुना नहीं होता, मैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाती कि यार क्या चाहिए मुझे। तो चलता है, मैंने गाड़ी में सुना है कई दफा। अच्छा साहिर भाई भी करते थे एक ऐसा शो, है ना? अगर साहिर ही करता था, है ना? अच्छा साहिर भी करते थे, और भी बहुत लोग करते थे, मतलब साहिर का बेस्ट था, भारी आवाजों वाले। वो तो ऐसे होता था, हम काम कर रही होती थी, मैं कौन बोले, कहां से आवाज आ रही? टीवी है, टीवी पे तो नहीं ऐसा हो सकता, ये रेडियो, हैरान हो जाता है बंदा। से बहुत कमाल काम है ये, ऑडियो हाँ। पे वो वीडियो क्रिएट कर देते। नहीं बिल्कुल ऐसा है। और मैं कब किसी के, हमारे मामू हैं रिश्ते के, उनके ठहरी हुई थी, और वो रात को यही होता था सबको बता के कि हम सो रहे हैं, डिस्टर्ब ना करें, ये दरवाजा बंद, और साहिर का शो सुन रहे होते थे। मामू? हाँ हाँ, मामू नहीं, रिश्ते के मामू। घर में जब बच्चियां थी, अच्छा मैंने वहीं से सुना। मैंने कहा क्या सुन रही है दिखाओ, फिर मैंने कहा ओहो ये दम है, मूड है भाई। देखो ना आपको नजर में नहीं कुछ आ रहा, माइक है और आप मूड क्रिएट कर रहे हैं। इतना मजा आ रहा है, मैं सोच रहा हूं ज्वाइन कर लूं रेडियो, है ना? वैसे यू सो गुड एट दिस। मैं कहती हूं रेडियो पे लेट नाइट शो यासिर हुसैन से बेहतर कोई नहीं कर सकता। वेरी गुड यासिर हुसैन, ऐसा सांप सीढ़ी खेल रहे कि कभी नहीं खेला गया, कभी नहीं खेला गया, आई एम टेलिंग यू। और इसी के साथ आगे खेलते हैं। पे पहुंच गए हैं, बहुत करीब हैं जीत से, एक नंबर चाहिए, तो उससे पहले हो जाए लव लेटर। और क्या है? लव लेटर बस खत्म, उसके बाद कुछ नहीं आपके पास? नहीं, बहुत कुछ है। लव लेटर में आपने खत लिखना है माशूका। माशूका नाराज होगी, माशूका नाराज होगी, हाँ, उसने आपका फोन चेक किया, कुछ शक पैदा हुआ, उसके बाद नाराज होगी माशूका, बात नहीं कर रही, फोन नहीं उठा मुझे रही। पेपर और पेन तो दें फिर। हाँ, पेपर पेन दो। ये होती है नाजरीन, देखिए जरा किस पाए के अदाकार और फनकार हैं ये। मैं इंप्रेस हो गई हूँ, आज तक कभी किसी ने हमारा लव लेटर सेगमेंट में लव लेटर लिखा नहीं, हाथ से बोला है, वाह। और पेपर दो, हो गया जी, हो गया, शाबाश, बहुत खुशी हुई। सुनाऊं? जी जी। अस्सलाम वालेकुम के बाद अर्ज है कि मैं यहाँ खैरियत से हूँ और जानता हूँ कि तुम नाराज हो, मगर क्यों जानूं? क्यों जानूं के बाद डॉट कितना बजा? मगर क्यों जानूं? तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा कि मैं नादिया, शाजिया, हिना, मायदा और उज़्मा को भूल चुका हूँ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ? गलती से तुम्हारी नाम की जगह शगुफ्ता का नाम ले लिया था, मुझे माफ़ कर देना। अपना बहुत ख्याल रखना और 2,500 रुपए का मनी ऑर्डर डाल देना, तुम्हारे लिए तोहफे खरीदूंगा, तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा यासिर। एंड में बताएं, तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा यासिर। यही वायरल हो जाना ना तुम्हारा किसको कहा, वाह 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 वाह, फैन हो गई है जी, जबरदस्त, बेहतरीन, हर अदा निराली है इनकी। और आप एंड पे पहुंच गए, 1 आ गया तो आप जीत गए। अच्छा अभी भी वरना लाइट्स कैमरा म्यूजिक होगा। वन, बाहर आया, उससे क्या होता है, बाहर आया। मैं पहली दफा जब बाहर आया था उसमें तो आपने चला दिया था मुझे, यार नहीं करना ऐसे, मैं जीत गया, मान ले, बस मान ले, वन आ गया और ये 3 दफा मैं जीत गया। वन, दुख मुझे किसी के जीतने का नहीं हुआ माशाल्लाह, क्योंकि गेम खत्म हो गई, इतना मजा आ रहा था, इतना। आप कैसी टीवी की हीरोइन है कि आपको किसी के जीतने का कभी दुख ही नहीं हुआ? नहीं, मुझे फर्स्ट टाइम हो रहा है, क्योंकि वाकई यू परफॉर्म सो वेल, इतना अच्छा सांप सीढ़ी, उफ बहुत मजा आया, हर एक उस पे डेयर पे सेगमेंट पे, यू आर क्या कहना चाहिए, आउटस्टैंडिंग एक्टर, कोई ऐसा हो कि जिसका, मैं सच बताऊं मुझे लगता है जितना आप में पोटेंशियल और ये है ना, ये इतना सभी हमने नहीं देखा, व्हाट यू कैन डू, यू आर अमेजिंग, थैंक यू, नेचुरल टाइमिंग, विट, सब कुछ है, डायरेक्टर, राइटर, सब कुछ। बस करें, मैं निकलते हुए किसी को एक चमाट नहीं लगा दूं। इतना आपने मुझे बुला दिया। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, आज नादिया के शो पे आया हूं
पहले भी एक दफ़ा कह चुका हूँ, हम एक थिएटर प्ले कर रहे थे इस्लामाबाद में, मेरा शायद दूसरा तीसरा प्ले होगा, शाशर अबीर उसके डायरेक्टर थे, और उसमें मेरा बहुत छोटा कैरेक्टर था, लाइक मेरे तीन ढाई जुमले थे, एक सिर्फ आवाज़ थी और दो लाइन्स थी। तो उन्होंने, उसका नाम था बॉम्बे ड्रीम्स, और वो मेरी ज़िंदगी के बहुत शुरू के प्लेज में से एक था। नादिया खान शो उस वक्त एक ऐसी चीज़ थी कि सब उसमें जाना चाहते थे, वो दुबई में भी होता था और इस्लामाबाद में भी होता था। तो वो पूरी टीम को नादिया खान शो पर ले जाना था, तो उन्होंने कहा कि मेन कैरेक्टर्स जाएंगे, हीरो हीरोइन और जो उसके बाद दो सेकंड लीड्स थे वो, और डायरेक्टर जाएगा। तो मैंने बड़ा ज़िद की कि यार मुझे भी लेकर जाएं, मुझे भी लेकर जाएं, वो मुझे नहीं लेके गए। मैं बड़ा अरसा नाराज़ रहा, पूरी परफॉर्मेंसेज में मेरा मुँह बना रहा कि यार मुझे नादिया खान शो पर नहीं लेके गए, और बड़े मेरे दोस्तों ने मजाक उड़ाया कि यार तुम्हारी पूरी टीम गई और तुम्हें नहीं लेके गए, ना तुम छोटे रोल करते हो ये वो। तो आज मैं नादिया खान शो पर खड़ा हूँ उनके सामने और इतनी तारीफ कर रही है। और वो मैंने शो देखा था खुद जाके वहाँ थिएटर में, एंड आई लव्ड इट, बहुत अच्छा था। मैं मुझे सुनने में मिला था कि आपने कहा कि ये, मैं उसमें यूनिक बना था और मैं बहुत पतला होता था और मेरे बड़े बाल होते थे, तो मैंने साड़ी पहनी हुई थी और मैं बड़ा खूबसूरत लगता था उसमें। कोई लाइन उसकी, तो आपने नहीं, आपने कॉम्प्लीमेंट दिया था कि ये तो पूरी सुष्मिता सेन लग रही है। इतने साल पहले मैं यासिर हुसैन को सुष्मिता सेन कह चुकी हूँ और ये साड़ी में थे और मैं बिल्कुल, मेरे जहन में नहीं आया, मतलब देखे वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि आज आप साड़ी में। और ये भी एक हसीन इत्तफाक है, नॉर्मली ऐसे होता नहीं है। थैंक यू सो मच। इससे पहले कि यासिर और बोले, क्योंकि मुझे लगता है इसका ये, जब ये देर हो जाती है ना रात को, तो फिर ये और नॉटी हो जाते हैं और ऐसी बातें करेंगे कि शो जो है खतरनाक वायरल हो। ये हर मर्द का यही है। जी, तो जल्दी से आपको कहते हैं गुड नाइट, खुदा हाफिज़, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू भाई, बाय बाय।